नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे HLE ग्लास कोट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर हायर साइड के ऊपर बाइंग कर लिया, 7,000 7,500 5,000 के लेवल बाइंग कर लिया। वहां से देखा जाए तो अभी तक लगभग कंपनी 50% के ऊपर जो है कि डाउन, लगभग 50 से 55% कंपनी डाउन है। अभी कुछ इन्वेस्टर इस स्टॉक में जो है कि फंस गए दोस्तों, और अभी उनके मन में ये बात आ रही है कि अभी इस स्टॉक में तेजी नहीं आएगी। चलिए हम आगे डिस्कस कर लेंगे तेजी आएगी कि नहीं, कुछ इन्वेस्टर फंसे हैं तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ग्लास कोट के बारे में हमको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो इन्वेस्टर फंसे दोस्तों ऑलरेडी क्या है कि स्टडी करके बैठे होंगे। ऐसे में देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो एकदम मिड कैप टाइप का कंपनी है। 5,000 करोड़ का भी इसका मार्केट कैप नहीं है। तेजी तो आपने देख लिया दोस्तों, गिरावट की बात करें तो अभी गिरावट भी आप देखते रहिए कहां तक कंपनी गिरती है। 3,500 का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है, 7,500 का कंपनी ने हाई लगाया था, यहां पे देखा है तो 3,000 का कंपनी का लो है। पी की बात करें 78 का, बुक वैल्यू की बात करें 197 का। डिविडेंड कंपनी कुछ पे करती है, आरओसी आरओई देखा जाए दोस्तों अभी तक के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस की बात करें तो बेस्ट है। कंपटीटर की बात करें दोस्तों, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर जैसा कि आप देख सकते हैं HLA, थार्मेक्स, भारत डायनेमिक, GM, फोडलर, प्राग इंडस्ट्रीज, इसमें देखेंगे दोस्तों तो सबसे छोटी कंपनी जो आती है वो HLE ग्लास कोट आती है, सबसे नीचे है। ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके सेल्स में जंप है, सेम उसी प्रोपोर्शनल में प्रॉफिट भी है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों अच्छा खासा, मतलब कंपनी में गिरावट है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी कारण से हो सकता है कंपनी में भी गिरावट हो रही हो। पीएनएल में जो है कि इनके सेल्स कभी भी नहीं घटे जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले 53, फिर 70, 76, 77, 88, फिर 92, फिर 2017 में कंपनी थोड़ी सी डाउन होती है 81, फिर कंपनी सॉलिड कमबैक भी करती है, फिर 350 की रेंज में, वही अभी बात कर दोस्तों, फिर 400 500 550 की रेंज में कंपनी चल रही है। 8 9 10 10 11 11 उसी रेंज में, फिर 41 64 80, फिर 89 की बात कर दोस्तों, अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं 4 साल 5 साल से क्या मतलब कंपनी लगातार ग्रोइंग मोड में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं दोस्तों उसी रेंज में, सिंगल डिजिट फिर डबल डिजिट में, अभी की बात करें तो कंपनी जो है कि डबल डिजिट में चल रही है। सेल्स ग्रोथ में देखेंगे दोस्तों 20% के आसपास लॉन्ग टाइम का निकल के आता है, 50% के आसपास 5 साल का निकल के आता है, 3 साल की बात करें तो भी 2015 के आसपास निकल के आता है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों वो भी देख सकते हैं इनका जो है कि लॉन्ग टाइम का अच्छा ही निकल के आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। TTM में थोड़ा सा कंपनी डाउन है। CGR की बात करें, CGR भी देख सकते हैं कंपनी का अच्छा खासा है दोस्तों। हाँ, 1 साल वाले इस कंपनी से अभी तक परेशान है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का बेस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी है देखा जाए तो इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो मात्र 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसे में रिजर्व्स की बात करें तो 200-250 करोड़ का रिजर्व्स है, 200 करोड़ का कंपनी के पास डेट भी है। ट्रेडिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 70% का स्टेक है। FIs की बात करें, FIs ने माल को सेल कर दिया। DIs की बात करें, DIs ने माल को एक्युमुलेट कर लिया। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी माल को एक्युमुलेट कर लिया। दोस्तों अभी जो लोग सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में तेजी नहीं आएगी, दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्या इनके PNL में कोई भी इंपैक्ट है आपने देखा, क्या कंपनी का बिजनेस देखा जाए? दोस्तों देखिए, प्रॉफिट निकालना और एक्सपेंसेज और प्रॉफिट, कंपनी क्या है रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो कि ग्रोइंग मोड में, जैसा कि हमने देख लिया। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, जिस दिन खर्चे पे कंट्रोल हो जाएगा उस दिन कंपनी का एक रिजल्ट भी अच्छा आता हुआ दिख सकता है। कंपनी वही जो है कि 1.5% के आसपास डाउन है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने हाई लगाया था 7,500 का 18 अक्टूबर 2021 को, लो की बात करें 4 जुलाई 2022 को कंपनी ने लो भी लगा दिया। वैल्यूम की बात करें दोस्तों, इतना कुछ खास इस कंपनी में वैल्यूम नहीं बनते, और 10,000 दोस्तों शेयर मात्र ट्रेड होते हैं, उसमें देखा है तो 3-4,000 ही डिलीवरी माल उठाए। ग्लास कोट की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। एक दिन का चार्ट देखेंगे तो कंपनी 1.5% के आसपास तेजी में, 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में कंपनी डाउन है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जो है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सॉलिड अच्छी खासी रिकवरी भी किया है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में कंपनी वही डाउन है 12%, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसा कि देख सकते हैं थोड़ी सी तेजी आती है फिर गिरावट की बात करें तो उससे भी ज़्यादा इस कंपनी में गिरावट होती है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 40% डाउन है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो कंपनी एक 3,000 के लेवल को अभी तक वही 6 महीने से उसी रेंज में 3,000-4,000 की रेंज में चल रही है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में कंपनी वही 40% डाउन है जैसा कि हमने देख लिया, उसी रेंज में चल रही है कंपनी साइडवेज में। 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी लगभग 45% के आसपास कंपनी डाउन है। लेकिन दोस्तों ऐसे में बताना चाहते हैं कि 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने 74% का रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी तेजी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे तेजी आई, बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब बाइंग कर लिया दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्या है, इस स्टॉक में तेजी थी, उनकी रैली जो है कि मिस हो रही थी, फिर स्टॉक में गिरावट होती है और फिर एक अच्छी खासी मतलब क्या है थोड़ी सी तेजी आती है, फिर जो है कि इन्वेस्टर बाइंग करते हैं, फिर गिरावट होती है, फिर अच्छी खासी जो है कि गिरावट होती है। अभी तक की बात करें दोस्तों इस स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, ये भी जो है
की कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई है। बीएससी के ऊपर इसका थोड़ा पुराना चार्ट है। एनएससी की बात करते हैं, एनएससी पे जो है कि जस्ट अभी अभी ये कंपनी आई हुई है। स्टॉक में दोस्तों अपने को करना क्या है, सबसे पहले बताना चाहते दोस्तों जिनके पास हायर साइड्स है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, इनसे इतना ही कहना चाहते हैं आप होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की बिजनेस की बात करें तो अच्छे हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भी अच्छे, कंपनी का बैलेंस शीट भी देखा जाए तो मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि दोस्तों क्या है उतना ही रिजर्व्स है इनके पास, उतना ही इनके पास डेट भी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी में तेजी कब आएगी, तेजी नहीं आएगी दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहते हैं जिस समय इस कंपनी में तेजी आएगी दोस्तों तो हमने देखा है कि हज़ार हज़ार पॉइंट ये कंपनी 900-800 पॉइंट एक एक दिन में भागती है। तो ऐसे में दोस्तों जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, जिनको फ्रेश बाइंग करना है मेरे पॉइंट से आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 3000 के लेवल तक आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 3000 के लेवल पर ही कंपनी चल रही है। अगर हायर साइड की बात करें तो अगर ये स्टॉक 4000 के लेवल को तोड़ता है दोस्तों तो इसमें एक अच्छा खासा रैली भी आ सकता है, हो सकता है कंपनी 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।